तो आइए बात करते हैं किडनी खराब है जो किडनी को खराब करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला, पेशाब आने पर करने ना जाना। दूसरा, हाई बीपी के इलाज में लापरवाही। तीसरा, ज्यादा मात्रा में नमक खाना। चौथा, रोज 7 से 8 गिलास से कम पानी पीना। पांचवा, शुगर के इलाज में कोताही। छठा, ज्यादा मात्रा में पेन किलर लेना। सातवा, बहुत ज्यादा मीट खाना। आठवां, बहुत ज्यादा शराब पीना। नौवां, पूरा आराम न करना। और दसवें नंबर पर आता है सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा का ज्यादा मात्रा में सेवन करना। किसी को भी दवाओं को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सी दवाएं, खासकर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में लेड और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है, जो किडनी के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए अब डालते हैं उन पर नजर। पहला, रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। दूसरा, फल और कच्ची सब्जियां ज्यादा खाएं। तीसरा, अंगूर खाएं, क्योंकि ये किडनी से फालतू यूरिक एसिड को निकाल देता है। चौथा, मैग्नीशियम किडनी को सही मात्रा में काम करने में मदद करता है, इसलिए ज्यादा मैग्नीशियम वाली चीजें, गहरे रंग की सब्जियां आप खाएं। खाने में नमक, सोडियम और प्रोटीन की मात्रा को घटा दें। 35 साल के बाद साल में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराएं। फैमिली हिस्ट्री है तो 25 साल की उम्र से ही यह टेस्ट कराना शुरू कर दें। बीपी या डायबिटीज के लक्षण मिलने पर हर 6 महीने पर पेशाब और खून की जाँच कराएं। न्यूट्रिशन से भरपूर खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन पर कंट्रोल रखने से किडनी की बीमारी की आशंका को काफी कम किया जा सकता है। किडनी के मरीज को खाने पर काफी विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी की किडनी कितनी फीसदी काम कर रही है, उसी के हिसाब से उसको खाना देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो किडनी को आगे और खराब होने से रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि खाना कैसा हो। खाने में प्रोटीन 1 ग्राम प्रति किलो मरीज के वजन के हिसाब से दिया जा सकता है। नॉन वेज खाने वाले 1 अंडा, 30 ग्राम मछली, 30 ग्राम चिकन और वेज लोग 30 ग्राम पनीर, 1 कप दूध, 1/2 कप दही, 30 ग्राम दाल और 30 ग्राम टोफू रोजाना ले सकते हैं। कैलोरी दिन भर में 7 से 10 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट की आपको लेनी चाहिए। 1 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट बराबर होती है 1 स्लाइस ब्रेड, 1/2 कप चावल या 1/2 कप पास्ता के बराबर। विटामिन दिन में 2 फल और 1 कप सब्जी लेने से प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। सोडियम, जिसे आप नमक भी कहते हैं, 1 दिन में 1/4 छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर खाने में नमक कम लगे तो नींबू, इलायची, तुलसी आदि का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए करें। पैकेट बंद चीजें जैसे सॉस, अचार, चीज, चिप्स, नमकीन आदि का सेवन ना करें। फॉस्फोरस भी लेने से बचें। दूध, दूध से बनी चीजें, मछली, अंडा, मीट, बीन्स, नट आदि फॉस्फोरस से भरपूर होते हैं, इन्हें सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। और डॉक्टर फॉस्फोरस बाइंडर्स भी देते हैं, जिन्हें मरीज को लेने से बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। कैल्शियम, जैसे दूध, दही, पनीर, टोफू, फल और सब्जियां उचित मात्रा में लें। ज्यादा कैल्शियम किडनी में पथरी का कारण बन सकता है। पोटेशियम वाली सब्जियां जैसे फल, दूध, दही, मछली, अंडा, मीट में पोटेशियम काफी होता है, इनकी ज्यादा मात्रा किडनी पर बुरा असर डालती है। केला, संतरा, पपीता, अनार, किशमिश, भिंडी, पालक, टमाटर और मटर से परहेज करना चाहिए। अंगूर, अनानास, सेब, तरबूज, गोभी, मूली और गाजर आप खा सकते हैं। खाना बनाने के लिए फैट की मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। वेजिटेबल या ऑलिव ऑयल्स का ही इस्तेमाल करें। बटर, घी और तली भुनी चीजें ना लें। स्किम दूध का इस्तेमाल करें और तरल चीजों को लेने से पहले काफी ध्यान रखना चाहिए। जब किडनी थोड़ी खराब होती है तब सामान्य मात्रा में तरल चीजें ले सकते हैं, पर जब किडनी काम करना बंद कर दे तो तरल चीजों की मात्रा पर ध्यान रखें। सोडा, जूस, शराब आदि का सेवन ना करें। किडनी की हालत को देखते हुए पूरे दिन में 5 से 7 कप तरल चीजें लें। सही समय पर भोजन लें। जितना खाएं पौष्टिक खाएं।
इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो किडनी के मरीजों को नहीं खानी चाहिए, जैसे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, शरबत आदि का सेवन कम से कम करें, सोडा, केक, पेस्ट्री जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स और खट्टी चीजें, केला, आम, नींबू, मौसमी, संतरा, आड़ू, खुमानी, मूंगफली, बादाम, खजूर, किशमिश, काजू, कमल ककड़ी, मशरूम, अंकुरित मूंग व चना, अचार, पापड़, चटनी, केचप, सत्तू का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, मार्केट के पनीर के सेवन से बचना चाहिए, बाजार में मिलने वाले पनीर में नींबू, सिरका या टाटरी का इस्तेमाल होता है, इसमें मिलावट की गुंजाइश भी रहती है, और किडनी के मरीजों का खाना तैयार करते वक्त काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, वेजिटेबल और घी बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए, घर पर ही नींबू के बजाय दही से डबल टोन दूध फाड़कर ही पनीर बनाएं, खाना पकाने से पहले दाल को कम से कम 2 घंटे और सब्जियों को 1 घंटे तक गुनगुने पानी में रखें, इससे पेस्टिसाइड का असर कम किया जाता है, महीने में 1-8 बार घर के बने छोले और राजमा भी खा सकते हैं, पर तरी के सेवन से बचना चाहिए, रेड मीट का सेवन ना करें, चिकन और मछली भी सीमित मात्रा में ही खाएं, रोजाना कम से कम 2 अंडों का सफेद हिस्सा खाने से जरूरी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। किडनी की बीमारी का पता क्योंकि देर से लगता है, पर कुछ शुरुआती ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जैसे पैरों और आंखों के नीचे सूजन, चलने पर जल्दी थकान और सांस का फूलना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, भूख न लगना और डाइजेशन का ठीक न होना, खून की कमी से शरीर का पीला पड़ जाना, बहुत से मरीजों में सारे लक्षण या कुछ लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। किडनी के पेशेंट में पहली स्टेज के जो पेशेंट होते हैं उनके पेशाब में कुछ गड़बड़ी पता चलती है, लेकिन क्रिएटिनिन और EGFR सामान्य होता है। EGFR से पता चलता है कि किडनी कितना फिल्टर कर पा रही है। दूसरी स्टेज में EGFR 90 से 60 के बीच होता है, लेकिन क्रिएटिनिन सामान्य रहता है। इस स्टेज में भी पेशाब की जांच में प्रोटीन ज़्यादा होने के संकेत मिलते हैं, शुगर या हाई BP रहने लगता है। तीसरी स्टेज में EGFR 60 से 30 के बीच होने लगता है, वहीं क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगता है। इसी स्टेज में किडनी की बीमारी के लक्षण सामने आने लगते हैं, अनीमिया भी हो सकता है, ब्लड टेस्ट में यूरिया ज़्यादा आ सकता है, शरीर में खुजली होती है। यहाँ मरीज को डॉक्टर की सलाह लेकर अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए। चौथी स्टेज में EGFR 30 से 15 के बीच होता है और क्रिएटिनिन भी 2 से 4 के बीच होने लगता है। यह वह स्टेज है जब मरीज को डाइट और लाइफस्टाइल में जबरदस्त सुधार लाना चाहिए, नहीं तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्टेज जल्दी आ जाती है। इसमें मरीज जल्दी थकने लगता है और शरीर में सूजन आ जाती है। पांचवी स्टेज में EGFR 15 से कम हो जाता है और क्रिएटिनिन 4 से 5 या उससे ज्यादा हो जाता है, फिर मरीज को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है। शुरुआती स्टेज में किडनी की बीमारी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों किडनी में करीब 7% खराब होने के बाद ही खून में क्रिएटिनिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए खून की नियमित जांच